ज्योति मौर्या ने किया है वो वाकई समाज में इसकी काफ़ी कुरीतियाँ व्याप्त हो रही है, ज्योति मौर्या ने की है उसको आप किसी के पद से नहीं जोड़ सकते हैं और न ही शिक्षा को इसको जोड़ सकते हैं। कोई भी पुरुष नहीं चाहेगा कि हमारी पत्नी जो है जब एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए तो वो हमें छोड़ करके, जो ज्योति मौर्या है वो अपने पति आलोक मौर्या के ऊपर आरोप लगा रही कि हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, ये कर रहा है। तो तेरह एक जब 14 साल 15 साल 13 साल का जो पीरियड हुआ तो इस पीरियड में आपको आज तक नहीं किया और जब आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए और जब आपकी चीज़ों को लोग आप गलत ऐसा लगा कि आप गलत कर रहे हैं और ये लोगों को पता चल गया तो अब आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये गलत है। अब देखना है कानून क्या करती है दोनों के लिए, न्यायालय क्या करती है उसके बीच में निर्भर करता है। इस तरह के एक दो बातें ट्रेंड में आ जाने से पूरा समाज गलत नहीं हो जाता है। पूरे देश में SDM ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर SDM बनाया और वही SDM पत्नी अपने पति से बगावत कर डाली है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ IHRCC फोरम के चेयरमैन GK पांडे मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस मामले को IHRCC किस रूप में देखती है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले को IHRCC किस मामले में देखती है। सबसे पहले आपका और आपके जनादेश न्यूज के समस्त दर्शकों को बहुत नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला यहाँ पर आने का। और ये जो अभी मामला ट्रेंड में चल रही है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का, इसको अभी पूरे भारत में एक ट्रेंड सा चला है और सारे लोग इस पर अजीब अजीब तरह के अपना अपना मंतव्य दे रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, कौन गलत है कौन सही है, क्या करना चाहिए था। तो हम लोग इसे दो नज़रियों से देख सकते हैं, एक तो हो गया सामाजिक तौर पर, दूसरा एक कानूनी तौर पर भी लोग देख सकते हैं कि लोग पर्सनल इश्यूज क्या होते हैं, पर्सनल सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है शो करने का, दिखाने का, दर्शाने का कि आप किसी भी चीज़ को किस वे में देख रहे हैं। तो जहाँ तक जो सच्चाई वास्तविकता सच्चाई है उससे अभी तक सारे लोग परे हैं, लेकिन जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि उन्होंने ज्योति मौर्य ने 2010 में शादी करी, 13 में फिर 15 में शायद 2015 में उनके बच्चे हुए, लगभग 13-14 साल का जर्नी उनका चला। तो इस बीच एक लंबा एक डिकेड होता है, 10 साल एक काफ़ी लंबा समय होता है किसी के साथ सस्टेन करने का, तो वो समय इस बीच उनका कैसा कटा कैसा नहीं ये तो वो ही दोनों जाने। लेकिन जो ज्योति मौर्या ने किया है वो वाकई समाज में इसकी काफ़ी कुरीतियाँ व्याप्त हो रही है और इसके बहुत सारे जो है नकारात्मक असर भी समाज में पड़ रहे हैं। इसके वजह से क्या है कि लोग इसको देख करके कि इस तरह की समस्याएं हमारे साथ भी ना आए ये लेकर के लोग अपनी अपनी न्यूज़ में देखने को आ रहा है सोशल मीडिया पर कि लोग अपनी पत्नी को बुला रहे हैं कि हम नहीं पढ़ाएंगे। अभी सारे लोग ट्रेंड कर रहे हैं कि पहले जो एक मूवी आई थी ना सूर्यवंशम जिसमें अमिताभ बच्चन ने अपने काफ़ी अपनी पत्नी को अनपढ़ होते हुए भी काफ़ी पढ़ाया उनको और IAS बनाया। तो देखिए ये करना बहुत अच्छी बात है लेकिन इसके बाद एक पत्नी का भी दायित्व बनता है कि वो अपने परिवार के लिए क्या कर सके, जैसे कि उन्होंने उनकी दो बच्चियां भी हैं तो एक माँ इतनी निर्दयी और दूसरी चीज़ की अपने कठोर हो जाए कि अपने पति जो 10 साल का एक मतलब 13-14 साल के जर्नी को आप यूं चुटकी में किसी के वजह का इंटरनली वजह जो भी है सबके सामने प्रेजेंट है तो ये एक काफ़ी नकारात्मक असर पड़ा है। लेकिन ऐसा किसी के पर्सनल किसी के जो कोई हरकत कर रहा है नकारात्मक हरकत कर रहे हैं लोग यानी जो ये ज्योति मौर्या ने की है उसको आप किसी के पद से नहीं जोड़ सकते हैं और न ही शिक्षा को इसको जोड़ सकते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। और उसका पर्सनल जिसे हमारे अंदर क्या चल रहा है आपके अंदर क्या चल रहे हैं क्या गलत चल रहा है क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक चल रहे हैं ये एक अलग पॉइंट अभी होता है लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण पर इसका असर जरूर पड़ता है। जो कि अगर ऐसा कोई कर रहा है कि क्योंकि आप जो कर रहे हैं आप एक प्रतिष्ठित पद पर हैं, एक प्रतिष्ठित पद पर होते हुए लोग आज IAS IPS जो है लोग बनते हैं तो उनका लोग अनुसरण करता है, लोग ट्रेंड में आकर के उनके रील बनाते हैं, उनके नाम पर लोग पोस्टर लगाते हैं, उनके नाम पर जय जयकारा लगाते हैं। लेकिन इस तरह के समय जो बातें आ जाती है तो लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को गलत नज़रियों से देखना शुरू कर देते हैं, ये सामाजिक दृष्टिकोण से। 2018 में ज्योति मौर्य PCS अधिकारी बन जाती है जी, है ना, पति को भी काफी खुशी होता है, स्वाभाविक है घर परिवार में काफी खुशी होती है
जब उनके घर की एक बेटी जो है, घर की बहू जो है वो पीसीएस अधिकारी बन गई है जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस तरह का वो कारनामा की है समाज में तो बेहतर संदेश नहीं जाएगा। नहीं, अच्छा तो नहीं जा रहा ना, क्योंकि उनकी एक जब वो एक फोर्थ ग्रेड का वर्कर होकर के उन्होंने, एक तो मैं दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह से मेहनत करके अपने पत्नी को जो है पढ़ाया और इस मुकाम पे पहुँचाया, तो खुशी तो होती है, क्योंकि अगर किसी के भी एक अपनी बेटी भी अगर अच्छे मुकाम पे जाए, कोई बेटा अच्छे मुकाम पे जाए, तो हर गार्जियन को, हर पति को, अगर ऐसा किसी की भी पत्नी बनती है तो कुछ ऐसा नहीं कि आज ये पहला मतलब पत्नी है जो कि अपने पति के द्वारा मेहनत करने के बाद बने हैं, कई सारे लोग बने, आज भी पेंडिंग चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये ट्रेंडिंग है क्योंकि अभी के समय में सोशल मीडिया का जमाना है और अचानक सब कुछ बूम कर जाता है, तो ये चीज जो है समाज, हाँ ये है कि पति पढ़ाए उन्हें, हाँ काफी मेहनत करके, काफी जी है ना उम्मीद लगा करके, लेकिन वो पत्नी उनके उम्मीद पर खरा नहीं उतरी, वो उनके साथ दगा कर डाली है, जैसा आलोक मौर्य आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, आलोक मौर्य का ये भी आरोप है कि उनकी पत्नी बीच रास्ते से उन्हें हटाना चाहती है अपने आशिक को पाने के लिए। तो जैसा कि उन्होंने सुनने को आ रहा है कि वो किसी दूसरे से संपर्क में थे, उनका अवैध संबंध क्या था एग्जैक्टली वही जाने, लेकिन ऐसा सुनने को आ रहा है कि, तो कोई भी पुरुष नहीं चाहेगा कि हमारी पत्नी जो है जब एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाए तो वो हमें छोड़ करके, एक ये करने के लिए ना एक मतलब अजब तरह का नकारात्मक माहौल और हार्डली मतलब मजबूत होकर के इस चीज़ों को डिसीजन लेना होता होगा, और किस तरह का वो, कि माय गॉड समझ में नहीं आ पा रहा है कि अपने परिवार जो इन्होंने ऐसा किया उनके लिए वो भगा दिया या जो कर रहा, आज अलग तरीका का वो भी आरोप लगा रहे हैं कि पत्नी जो ज्योति मौर्या है वो अपने पति आलोक मौर्या के ऊपर आरोप लगा रही कि हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, ये कर रहा है, तो जब 14 साल 15 साल 13 साल का जो पीरियड हुआ, तो इस पीरियड में आपको आज तक नहीं किया, और जब आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए और जब आपकी चीज़ों को लोग आप गलत ऐसा लगा कि आप गलत कर रहे हैं और ये लोगों को पता चल गया, तो अब आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये गलत है, तो ये गलत है, इसके तरफ से गलत किया जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से ज्योति मौर्य गलत है, हाँ सामाजिक दृष्टिकोण से 100% जो अगर आप हमसे पूछ रहे हैं पर्सनली कि क्या है, तो वास्तविक में वो गलत है और इसका असर कहीं ना कहीं समाज पर पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है, लेकिन हम अंत में ये भी चीज़ों को कहेंगे कि उनके द्वारा किया गया करतूतों का जो असर है उसको हम लोग गलत तरीके से ना जोड़ें, हमें लोगों को अप्रिसिएट करने की भी आवश्यकता है कि अरे वो तो एक किया है ना, हमें बहुत सारे पॉजिटिव उदाहरण भी हैं, वो एक गलत करने के तो सारे बहु इस तरह से आज भी बहुएँ हैं जो हर चीज़ का दो उदाहरण होता है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक, तो हमें नकारात्मक को छोड़ करके आगे बढ़ते जाना, ऐसी निकल गई तो सभी पत्नी ऐसा नहीं, नहीं हो सकता है कि ये अच्छा, गलत है तो सब गलत। पॉइंट ऑफ लीगली इसको किस रूप में आप देखते हैं? जैसे पॉइंट ऑफ लीगली अब तो जैसे जो केस चल रहे हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से केस चल रहे हैं, दोनों तरफ से केस दायर हुए हैं, तो अब दोनों क्या दलीलें निकल करके सामने आती है। अब जहाँ पर अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो हर नागरिक स्वतंत्र है, अपना अपना जीवन को किस तरह से जिए सबको अपना अधिकार है, तो वो अधिकारों को दोनों यूज कर सकते हैं, इसमें कहीं भी किसी को, अगर आप कानून दृष्टिकोण से देखेंगे तो सामाजिक डाउन करना पड़ेगा, अगर आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको कानूनी तौर पर आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, तो दोनों एक अलग अलग पहलू हैं, दोनों को कभी भी सिमिलैरिटी नहीं हो सकती है, लेकिन सभी का अपना स्वतंत्रता का अधिकार है और जीने का अधिकार है अपने अपने तरीके से, लेकिन इसका गलत फायदा ना उठाया जाए, ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता का अधिकार है तो आज हम 10 साल किसी के साथ रहें, कल 10 साल किसी और के साथ रहें, इस तरह का भी, फिर अगले 10 साल किसी और के साथ रहें, तो अधिकार का इस तरह भी दुरुपयोग ना हो जिससे समाज पर नकारात्मक असर पड़े, जैसा ज्योति मौर्या, उनका असर पड़ भी रहा है लोगों के ऊपर बहुत सारे। हमारा एक सवाल और है जीके पांडे जी, IHRCC है ना, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल फोरम है ना, तो मानवाधिकार, प्रत्येक व्यक्ति का अपना कुछ ना कुछ विशेषाधिकार होता है ना, तो ज्योति मौर्य और आलोक के ही मामला अभी ट्रेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का किस रूप में मानवाधिकार का हनन हुआ है दोनों का? आलोक मौर्य का कितना मानवाधिकार, अगर जिसे हर सभी व्यक्तियों को अपनी निजता प्राइवेसी बचाने का अधिकार है, और प्राइवेसी तो ये प्राइवेसी तो अब रही ना, प्राइवेसी नहीं, अब प्राइवेसी तो रही नहीं, दोनों लोग का बात जो है डिस्क्लोज हो रहा है, अब डिस्क्लोज इस असर तक हो गया है, इस कदर तक कि अब ज्योति मौर्या के खिलाफ बहुत सारे घूस के मामले भी सुनने को आ रहे हैं कि उनके ऊपर आरोप लग रहा है, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा ना दोनों के समय में, कि अब ये जो अगर इनके
अब वो सारी कुछ निकाला जाएगा कि 10-13 साल में। अब देखिए हमारे एक चीज़ समझिए, अगर हमें किसी के बारे में बुरा सोचना है, बुरा करना है, तो उसकी सारी बुराइयों को हम देखना शुरू कर देंगे। किसी के लिए अगर अच्छा करना है तो हम उसके लिए अच्छा सोचेंगे। अब तो दोनों के बीच दरारें पैदा हो गई है। अब इस दरार में क्या होगा ना, दोनों एक दूसरे की कमी को ढूंढ करके और डिस्क्लोज करते चलाएंगे, तो प्राइवेसी रही नहीं और दोनों अब लीगल वे में आएंगे, तो दोनों अपनी अपनी बातों को रख करके, और इस चीज़ को तो अलग तरीका का एक मोड़ दे दिया गया जो जिसको कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अभी चीज़ों IHRCC आपका जो है क्राइम कंट्रोल जी, तो मान लीजिए ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में IHRCC फोरम किस रूप में मदद करना चाहेगी? देखिए अगर इस तरह का मौका कभी आया, बाकी तो ये जो मामला कोर्ट में चले जाते हैं उस मामले में मानवाधिकार का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह जाता है। और उसके बाद क्या है कि अगर इस तरह का कोई ये देखने को मिला कि अगर हमसे अगर पूछ रहे हैं कि इस तरह के मामला में क्या किया जाना चाहिए, तो जब कानून चले गए तो कानून सर्वोपरि है, और कानून के बीच में जो है हम अपने चीज़ों को अब देखना है कानून क्या करती है दोनों के लिए, न्यायालय क्या करती है, उसके बीच में निर्भर करता है। मानवाधिकार का यहाँ पर किसी का अब पार्टिकुलर वे में अगर ऐसा करता है, कोई किसी को ज़बरदस्ती कर रहा होता है, तो हम लोग वहाँ पर ये करते हैं कि किसी के भी साथ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो, सभी को अपना, फिर ये लीगल बातें आ जाती है और लीगल वे में, और यहाँ मामला ऐसा बना है जिसे देख करके दोनों को एक मर्ज कर पाना मुश्किल है। अभी फिलहाल वर्तमान सिचुएशन उसका ऐसा है जिसको मर्ज नहीं कर सकते हैं दोनों चीज़ों को, और दोनों का मिलना यानी कहीं ना कहीं अभी वो तो संभावनाएं इतनी ज़्यादा बदतर हो गई है, बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में है चीज़ों को, नकारात्मक लोगों सर से दिख रहे हैं, तो सबका अलग अलग अपना पॉइंट अभी। और इसको अभी मतलब पर्सनली अगर हमारे बारे में बात किया जाए, फोरम के बारे में बात किया जाए, तो IHRCC फोरम लोगों के न्याय के लिए ज़रूर लड़ती है और लड़ती रहेगी, लोगों के अधिकारों के लिए इसका काम ही है कि आवर एम इज़ टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स, एंड आवर एम टू क्रिएट एजुकेटेड पीसफुल क्राइम फ्री एंड करप्शन फ्री सोसाइटी, ये हमारी उद्देश्य हैं, और इसके लिए हम लोग तत्पर होकर के भारत के सभी कोनों से, सभी राज्यों से हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, और ये हम एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह के एक दो बातें ट्रेंड में आ जाने से पूरा समाज गलत नहीं हो जाता है। इसको दरकिनार करते हुए अपने विशेष जो जीवन बचे हैं आपके, क्योंकि वो सीमित समय है, आपका समय सीमित है, और इसी सीमित समय में आपको जो भी हर तरह के लोग रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक पेड़ से एक आम सड़ गया तो उसके वजह से सारे पेड़ खराब हो सकते हैं, तो हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाता है। तालाब में तो उसको छोड़ दीजिए, है ना, कीचड़ में कमल खिलते हैं, तो कीचड़ में कमल खिलते हैं, तो इस तरह के गुलाब का पेड़ जो है उसमें कांटा भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम गुलाब को तोड़ना छोड़ देते हैं या गुलाब का महत्व कम जाता है उससे, तो उनके करने या ना करने से समाज में कुछ देर के लिए असर तो पड़ेंगे ही, क्योंकि जो ये हो जाते हैं ना लोग इमोशनल हो जाते हैं, तो इमोशनल दृष्टिकोण से थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन ये कुछ दिन तक रहेगा, फिर धीरे धीरे, लेकिन हमें उन अच्छाइयों को अवश्य देखना होगा जो वास्तविकता भी है, क्योंकि एक के ऐसा कर देने से समस्त प्राणी में जो है ऐसा कोई कुछ समय के लिए, क्योंकि सत्य के ऊपर असत्य कुछ देर तक ही प्रभाव डालता है, फिर धीरे धीरे वो धुंधल की तरह खत्म हो जाते हैं, और जो वास्तविकता है वो रहेगा, तो उसके वजह से जो पढ़ाई में किसी का बाधा बन जा रहे हैं आने वाले, या ऐसा सोच रहे हैं, तो मत करें ऐसा, उससे आपके परिवार में हो सकता है और उससे कहीं ज़्यादा बुरा असर आपके परिवार के ऊपर पड़े, तो इन सभी चीज़ों से बचें, और वास्तविकता जो है और जो सच्चाई है, और आप अगर आप दोनों में कंट्रीब्यूशन अच्छा है, दोनों में संबंध अच्छे हैं, तो उसको बना करके रखें, और थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है, और उन जो भी खास करके नवयुवक है लोग हैं वो, और चाहे नवयुवती हैं, तो उन सभी से हमारा ये आग्रह है कि अपने परिवार में छोटी मोटी गलतियों को समेट कर चलें, इससे अगर परिवार लंबा चलाना है तो, नहीं तो आपको भी लग रहा है कि हमें कुछ पल का जीवन मिला था, इसको हम जैसे चाहें वैसे जिए, तो वो आपका अपना भी तरीका है, लेकिन अगर सामाजिक दृष्टिकोण में रह रहे हैं तो सामाजिक दृष्टिकोण में बने रहना और कानून का पालन करना, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके हमें चलना होगा, तभी कुछ संभव है हमारा देश में। सवाल है जी, बिल्कुल, जो भी कहा कि नवयुक्तियों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि छोटी मोटी गलतियों को दरकिनार करें, हाँ, तो जैसा ज्योति मौर्य भी आरोप लगा रही थी, एक ऑडियो वायरल हुआ उसकी, उस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, अच्छा, लेकिन ऑडियो में जो बताया जा रहा है कथित तौर पर कि ये ज्योति मौर्य का ऑडियो है, उसमें वो कहती हैं कि आपके भी घर में हमें बहुत परेशानियाँ होती थी, फलाने इस तरह से ये करते थे ना,
तो क्या ज्योति मौर्य को भी ये सब छोटी छोटी चीजों को दरकिनार करना चाहिए? छोटी छोटी गलतियां हो रही थी, छोटी छोटी गलतियां हो रही थी, ये चीज 13 साल तक आपको नहीं पता चला ज्योति मौर्य जी को? सवाल तो ये उठेगा, 13 साल तक आपको नहीं पता चला कि गलत कर रहा है? तो मतलब आप मानकर चलिए, जब आप अधिकारी बन गए, सफल हो गए, तो आप आरोप लगा रहे हैं उस परिवार पर जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से आपको उस मुकाम पे पहुंचा दिया, और आज आप कह रहे हैं कि वो गलत है। और मैंने पहले ही बताया ना कि जब सोचना शुरू करेगा सकारात्मक, अगर अच्छा सोचेंगे तो हम आपके बारे में अच्छा बात करेंगे, अगर गलत सोचेंगे तो हम आपके बारे में गलत बात करेंगे। तो ये चीज़ें वो कहीं ना कहीं गलत भी हो सकती है, जब आरोप लग रहे हैं तो दोनों तरफ से लग रहे हैं, और ये दोनों तरफ का आरोप जो है काफ़ी मुश्किल में है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये गलत है। अगर वो गलत था, अगर वो आरोप कुछ मान के चले जो आपको पढ़ा रहा है जो गार्जियन, अगर वो छोटी मोटी डांट भी दिया आपको बातों को लेकर के, कुछ दो बात बोल भी दिया गया, तो वो उस पर गौर नहीं करने वाली बात है। अगर ऐसा नहीं है कि माँ अगर बेटे को डांट रही है तो, या बेटी को डांट रही है तो उसका गलत सोच रही है, वो भला सोचती है, इसीलिए थोड़ा बहुत अधिकार भी है भाई कि चलो अपने बच्चों पर अपनी पूर्ण ये रखें कि हमारा ये भविष्य है, क्योंकि उनको पढ़ा रहे थे तो उसमें केवल उनके पति का ही तो सहयोग नहीं होगा, अरे फाइनेंशियली तौर पर ये सहयोग कर रहे होंगे, लेकिन इमोशनल सपोर्ट तो पूरे फैमिली का दे रहा होगा, पूरा फैमिली दे रहे होंगे उसको आगे बढ़ने के लिए। तो वो आरोप गलत भी हो सकता है कि जब न्यायालय में जा रहे हैं मामले, तो हम तो सोचेंगे कि हम जिस तरह से हो सके हम अपने आप को बचाएं, इसकी वजह से हो सकता है ऐसा। आपका फोरम जो है वो क्राइम कंट्रोल पे भी काम करता है? जी बिल्कुल, इसके लिए जागरूक करना, लोगों को एजुकेट करना, कहीं ना कहीं यहीं से जागरूक होंगे लोग। उन परिवार को क्या कहना चाहिएगा जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले को देखकर, उनके इस पूरे कहानी को सुनकर, वो भी अपने परिवार में कहीं ना कहीं ये हो रहा है नहीं, कि तो सबसे पहले नहीं, तो ये गलत है, इस मामले को अपने फैमिली मैटर ना बनाए, जो मामला अभी ट्रेंड में चल रहा है इस मामले से दूर, कोसों दूर तक अपना कोई संबंध कोई ना रखें, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपके जो बीच के संबंध पहले से बने हैं इसको देख करके कहीं बिगड़ ना जाए, अगर आप भी बुला ले रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो गलत हो गई तो सब गलत हो जाएगा, कहीं ना पढ़ाने पे भी रिश्ता टूटा। हाँ, रिश्ता आप नहीं पढ़ाने के वजह से बहुत सारा अगर रिश्ता टूट जाएगा। अभी एक मैंने सोशल मीडिया पे देख रहा था कि एक पत्नी थाने में पहुंच गई है कि हमारा पति हमको पढ़ने से रोक रहा है। हाँ, तो वो इस तरह के मामले उत्पन्न होने लगेंगे, तो इससे पूरी तरीके से बचे, और जैसे आप रह रहे थे, जैसे पढ़ाई कर रहे थे, केवल अपने स्टडी पे फोकस कीजिए, ऐसे तमाम चीज आते रहेंगे जाते रहेंगे, इससे अपने परिवार में, अगर ऐसा करने पर आपका जो ऐसा कर रहे हैं उनके परिवार में कलह बढ़ जाएंगे, बेहतर होने के बजाय और गलत तरीके में और गलत रास्ते में चले जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों से उनको 100% बचने की आवश्यकता है।